प्लीज वेलकम बैक टू स्मिताज किचन अरोमा। स्मिताज किचन अरोमा में आपका स्वागत है। देखिए ऐसा है, हमें मीन सब इंडियंस को जो खाना पसंद आता है हम उसमें अपना एक ट्विस्ट डालकर इंडियनाइज कर लेते हैं, चाहे वो चाइनीज हो या फिर इटालियन। इटालियन में पिज्ज़ा, पास्ता, रिजोटो और सैंडविचेस ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये फुल टाइम मील या फिर इम्पोर्टेंट स्नैक्स बन गया है। बच्चों को तो पसंद आता ही है बट बड़े भी चस्के लेते हुए खाते हैं। तो हम आज बनाने जा रहे हैं स्मिताज किचन में मज़ेदार चीजी तंदूरी स्पेगेटी पास्ता। ये है तो इटालियन डिश बट मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालकर तंदूरी फ्लेवर दिया है और तंदूरी मसाला भी तैयार किया है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिए एक बार रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं तंदूरी स्पेगेटी पास्ता। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मसाला। तो उसके लिए मैंने लिया है एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून काला नमक, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला और एक टीस्पून कसूरी मेथी। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। तो ये आपका तंदूरी मसाला है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको तंदूरी चिकन बनाना है या फिर सब्जियों में तंदूरी मसाला डाल के आपको बारबेक्यू करना है वो भी कर सकते हो। तो मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें ये मसाला इसलिए डाल रही हूँ कि अच्छे से मिक्स हो जाए, हर एक इंग्रेडिएंट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, हर एक मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने ये कंटेनर में डाला है। और ये कंटेनर आपको शेक करना है, इससे क्या होगा ना, इसमें जो मसाले है वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। यहाँ मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए एक पतीले में पानी लिया है। आपको ये स्पेगेटी लेनी है और ये पानी बॉईल होने के बाद मैं स्पेगेटी ये बॉईल वाटर में डाल रही हूँ। देखिए इस तरह ये जैसे जैसे उबलते पानी में जाएगी वैसे वैसे ये सॉफ्ट बनते जाएगी। उसमें डाला है थोड़ा सा सॉल्ट। देखिए अब ये बची हुई मैं स्पेगेटी पूरी पानी में डाल रही हूँ। आपको बस इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाना है। तो फूडीज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। और हाँ, बेल बटन ज़रूर प्रेस करिएगा क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये यूनिक एक डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये स्पेगेटी जो है वो बॉईल हो चुकी है तो हम इसे बाहर निकाल रहे हैं, इसको ड्रेन करना है आपको, इसका पानी निकालना है बस। और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल इसलिए डाल रही हूँ कि ये एक दूसरे को चिपके ना। अभी इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तेल सभी पास्ता को लग जाए, अच्छे से लगे तो ये एक दूसरे से ठंडे होने के बाद चिपकेंगे नहीं। अभी बढ़ते हैं आगे की प्रोसीजर के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन में एक टेबलस्पून बटर लिया है और एक टीस्पून चॉप्ड गार्लिक डाला है, आधा टीस्पून ग्रीन चिली डाली है वो भी चॉप्ड करी हुई। अब इसे आपको अच्छे से कच्चा बन जाने तक भूनना है। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। अब इसे भी आपको अच्छे से बटर में पकाना है, थोड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आ जाए बस, तभी उसी लेवल तक पकाना है आपको और आँच को आपको मीडियम रखना है। अब ये जल्दी लग जाता है इसलिए आपको, आपके पास अगर नॉनस्टिक पैन हो तो अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कम तेज़ आँच पर पकाएं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। अब इस दूध को और इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि इसका लम्ब्स ना बने, स्पैचुला या फिर चम्मच से आपको अच्छे से बस हिलाते रहना है ताकि ये लगे ना नीचे से या फिर इसके लम्ब्स ना बने। कम से कम ये सॉस, व्हाइट सॉस बनने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब इसमें मैंने डाला है ओरिगेनो 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला जो सबसे पहले हमने बनाया था। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक पाउडर पिंच और
थोड़ा सा ओनियन पाउडर, ओनियन पाउडर आप 1/4 टीस्पून डाला तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। गार्लिक पाउडर और ओनियन पाउडर ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज नहीं डाला तो चलता। बस ये टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैंने डाला है इसमें, तो ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा मैंने स्वादानुसार नमक डाला है इसमें, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है और 2 मिनट तक इसको बॉईल आने देना है। इसके बाद अब 2 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता। देखिए अब ये पास्ता डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, ये जो सॉस बनाया है वो अच्छे से ये पास्ता में मिक्स हो जाए। इसी तरह आपको स्पैचुला चलाना है और आराम से, ताकि ये ब्रेक ना हुए। अच्छे से मैं देखो ऊपर नीचे कर रही हूँ हर जगह, अच्छे से स्पैचुला चलाना है आपको। अगर आप देखिए इस तरह भी आप कर सकते हो, ताकि ये सॉस अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको इन सब प्रोसीजर को कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, और आपका आफ्टर 3-4 मिनट्स आपका तंदूरी स्पेगेटी पास्ता रेडी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मेयोनीज डाल रही हूँ और प्रोसेस चीज़ डाल रही हूँ ग्रेटेड, इससे क्रीमी सा टेस्ट आता है। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है ये। ये आपने मेयोनीज और चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये बच्चों के लिए है ख़ास। अगर आप आपको चीज़ या फिर मेयोनीज पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये अच्छे से मिक्स होने के बाद आपको एक सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेना है। अभी हम देंगे तंदूरी फील, तंदूरी फील ये भी ऑप्शनल है, बट मैंने तंदूरी पास्ता बनाया है इसलिए इसको देना ज़रूरी है। तो ये मैंने एक को लिया है, उसको चारकोल को मैंने थोड़ा सा जला लिया था। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद जो धुआं निकलता है उसे आपको लीड से पैक कर देना है। इससे क्या होगा, जो स्मोकी फ्लेवर है वो आपके पास्ता को आएगा, और तंदूरी मसाला तो हमने डाला ही है पास्ता में, तो ये तंदूरी मसाला और ये चारकोल का स्मोकी फ्लेवर सोने पे सुहागा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। आपका ये चीज़ी क्रीमी स्पेगेटी पास्ता तंदूरी फ्लेवर वाला रेडी है। चलो तो इसे टेस्ट करते हैं। ऐसी नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ स्मिता आपसे फिर मिलेंगी, तब तक के लिए बाय।